नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। आज की वीडियो में देखेंगे अपन कक्षा पांचवी मूल्यांकन आवेदन प्रपत्र जो आज से शुरू हो गए हैं। पीओ लॉगिन पर कक्षा एवं सेक्शन वार विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट करनी है और इस बार पैटर्न बदल गया है। इसमें जो समेकित सूची जनरेट होगी उसको लॉक भी करना है और लॉक मान्य ही होगी। इसमें फॉर्म जनरेट करने से पहले अपने कुछ निर्देश हैं, यहाँ पर देख लेते हैं अपन। फाइल जनरेट करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके वेब ब्राउज़र में पॉपअप ओपन किया हुआ है। पॉपअप से मतलब जैसे ही आप फाइल जनरेट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप राइट साइड के कोने में, यहाँ पर पॉपअप भी दिखेगा क्रॉस, और उसको एलो करना है आपको। जब भी आपको जनरेट फाइल सेव होने के लिए शो करेगी, वरना फाइल तो जनरेट हो जाएगी पर आपको सेव दिखाई यहाँ पर नहीं देगा, परंतु आपको डाउनलोड सेव का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति में ब्राउजर में ऊपर एड्रेस बार के पास आपको पॉपअप से संबंधित मैसेज दिखाई देगा, वहाँ इसे सही कर लें। यानी कि जो पॉपअप है वो ऑल पॉपअप अलाउ करना है। यहाँ पर विद्यार्थी विवरण सही होने पर ही विद्यार्थी आवेदन प्रिंट करें, ये अपने लिए कुछ निर्देश हैं जिसमें एडिटिंग से मतलब है। यहाँ पर ये टोटली जो चार प्रकार के निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ पर मेरे चैनल पर हेल्पिंग वीडियो भी बना हुआ है, यहाँ पर 2 दिन पूर्व ही बना हुआ है। पांचवी बोर्ड समय की सूची 2019 जनरेट करने से पूर्व ऐसा रजिस्टर से मिलान कर लें, मतलब समस्त रिकॉर्ड ऐसा रजिस्टर से मिलान कर लेना है। अपने जो 5th क्लास में जो स्टूडेंट हैं उसमें SR नंबर, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम या और कोई अन्य जो जानकारी है वो अपने SR रजिस्टर से मिलान करने के बाद ही फाइल जनरेट करनी है। अगर इसके पहले अपन कर लेते हैं तो जो गलती हो जाती है, इसमें इस बार लॉक की सुविधा है। लॉक अगर करेंगे फाइनल तो ही ये मान्य होगा। अब यहाँ पर अपन प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर पीओ लॉगिन करेंगे। पीओ लॉगिन में यहाँ स्टूडेंट की टैब में यहाँ पर कक्षा 5 आवेदन पत्र, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके विद्यालय की लिस्ट खुलेगी और उसमें अपने विद्यालय को चयन करेंगे तो यहाँ पर अपने विद्यालय का जो क्लास 5th का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर सेशन 18-19 ऑलरेडी सेलेक्ट है, क्लास 5th सेलेक्ट है, सेक्शन है। दोस्तों मैं ये वीडियो आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ, इसमें कोई त्रुटि या विरोधाभास होने की स्थिति में आप शाला दर्शन के आदेशों को ही मान्य समझें। यहाँ पर गो बटन पर क्लिक करेंगे, क्लास 5th में उनकी सूची आपके सामने खुल जाएगी। अब यहाँ पर एक एक विद्यार्थी को भी प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पर कक्षा एवं सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची, इसको भी प्रिंट करना है और यहाँ पर कक्षा एवं सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची को लॉक करना है। अब यहाँ पर ये स्थिति बनती है कि यहाँ पर प्रिंट ऑल बटन दिया हुआ है और यहाँ पर स्टूडेंट के जस्ट सामने यहाँ पर प्रिंट भी दिया हुआ है। अगर आपका नेट फास्ट है तो आप प्रिंट ऑल कर सकते हैं, जैसे अपन यहाँ पर प्रिंट ऑल की कमांड देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं समस्त प्रकार के जितने फॉर्म थे अपने, वो समस्त फॉर्म यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी डिटेल ऐसी नहीं है जो स्टूडेंट्स रिलेटेड यहाँ पर पेंडिंग है। यहाँ पर केवल पिता का नाम आपको हिंदी में लिखना है, माता का नाम यहाँ पर हिंदी में लिख देना है, बाकी जो इंग्लिश की डिटेल है वो पूरी की पूरी अपडेट आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हिंदी की डिटेल पहले से ही शाला दर्शन में अपन ने अपडेट नहीं की, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक है। तो यहाँ पर आपको हिंदी में ये छात्र छात्रा के जो माता पिता का नाम है वो यहाँ पर हिंदी में लिखना है और यहाँ पर छात्र छात्रा की पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगानी है और यहाँ छात्र के हस्ताक्षर और यहाँ पर संस्था प्रधान माई सील। यहाँ पर ये फॉर्म जो इसकी प्रिंट जो लेंगे वो आपको ऑफिस सेव रखना है। अब ये फॉर्म तो आपके जनरेट हो गए, सभी जो फॉर्म है वो यहाँ पर जनरेट हो गए हैं, आपको इसका प्रिंट ले लेना है यहाँ से। और जो दूसरा काम है यहाँ पर कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची, इसको लॉक करना है। अपने भलीभांति देख लेना है परफेक्ट है, इससे रिकॉर्ड मिलान SR से कर लेना है। ये फॉर्म की प्रति जो अपन ने प्रिंट की है यहाँ से, इसकी कॉपी भी आप
फिलहाल तो ले सकते हैं, और इससे एसआर से मिलान कर लेना है। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप 3A 3B उसमें जा कर के सुधार भी सकते हैं इसको, और फिर जनरेट करें। अगर आप फाइनल कन्फर्म हैं तो कक्षा एम सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची, इसको लॉक करना है। यहाँ पर ये जो लॉक करने से पहले सूची में सभी विद्यार्थी को मिलान विद्यार्थी विवरण सही होने पर ही लॉक करें, यहाँ पर स्पष्ट मैसेज है। क्योंकि मैं यहाँ पर फाइनल यस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बैकफुट जाऊँगा, क्योंकि मुझे इसमें कन्फ्यूज़न लग रहा है। मैंने ये वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाया है, केवल आपको बताने के लिए ही मैंने वीडियो ऑर्गेनाइज़ किया था। तो इस तरीके से फिफ्थ बोर्ड के फॉर्म अपन को जनरेट करने हैं, और इस बार ये नया पैटर्न लॉक पैटर्न आया है, इसको फाइनल लॉक करना है। लेकिन कन्फर्म होने पर ही आप ये समस्त रिकॉर्ड का मिलान अच्छी तरह से कर लें, उसके बाद में ही यहाँ पर लॉक बटन को यस करें। अन्यथा एक बार लॉक होने के बाद में इसमें कोई एडिटिंग संभव नहीं है। मैं यहाँ पर बैकफुट जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉक अभी नहीं करूँगा, मुझे इसमें कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा है। मैं कल इसको एडिट करूँगा, उसके बाद में ही फाइनल बटन लॉक करूँगा। तो आपने देखो दोस्तों, इसमें मैंने कक्षा एम सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची को लॉक नहीं किया, क्योंकि इसमें मुझे कन्फ्यूज़न नज़र आ रहा था, इसलिए मैं बैकफुट पॉइंट आ गया। और मैंने आज ही इसमें जो एडिटिंग्स की है, यहाँ पर आप फार्म तो कितनी भी बार प्रिंट कर सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी हो। अपन देखना है अपन को कि अपन ने कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। इसका मिलान अपन को 3A 3B से कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर जो प्रपत्र 3 है उससे भी मिलान कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12/11/2018, ये आज ही इसकी जो एडिटिंग्स है उसका रिकॉर्ड जो मिलान किया था उसको सेव किया है, और 12/11/2018 की रिपोर्ट। और इसलिए मैंने इसको लॉक नहीं किया, क्योंकि जो फॉर्म जनरेट किए हैं उनको 3A 3B से मिलान करना है, और उसके बाद में ही फाइनल लॉक यहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरीके से अपन फिफ्थ बोर्ड के फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, और फाइनल जो समेकित सूची है उसको लॉक भी कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।